नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में सीएम पद को लेकर चल रही है खींचतान। बीते चंद दिनों से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के सांसद संजय राउत कहते फिर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री एक दूसरी पारी खेलने वाले हैं। उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी के सीएम का चेहरा उद्धव ठाकरे हो सकते हैं। लेकिन ये बात महाविकास आघाड़ी के एक और बड़े घटक दल कांग्रेस को नागवार गुजर रही है। तो कांग्रेस और शिवसेना के बीच सीएम पद को लेकर ये जो खींचतान चल रही है, ये आज खुलकर सामने आ गई जब मुंबई के षणमुखानंद हॉल में तीनों ही बड़े घटक दलों के पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई, एक सम्मेलन बुलाया गया। मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े, मुंबई ब्यूरो के प्रमुख, मौजूद हैं। रौनक, आज जो सम्मेलन हुआ पदाधिकारियों का, कहने के लिए तो सम्मेलन इसलिए बुलाया गया था ताकि एक शक्ति प्रदर्शन किया जाए और ये दिखाया जाए कि हम साथ साथ हैं, हमारे बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वहाँ से जो संदेश निकला वो बिल्कुल उल्टा था। देखिए, निश्चित तौर पर इसकी सुबुगाहट कुछ दिन पहले ही जब संजय राउत के बयान आने लगे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ठाकरे पार्ट टू सरकार जल्दी महाराष्ट्र में नज़र आएगा, उसके पहले उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा, 3 दिनों तक वो दिल्ली में सोनिया गांधी से पूरे परिवार के साथ मिले, राहुल गांधी से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे ये जाकर मिलते, इसमें शरद पवार मौजूद नहीं होते, तो साफ तौर पर ये बता रहा था कि अगर महाराष्ट्र में उन्हें बीजेपी विरोधी राजनीति आने वाले वक्त में करनी है तो उन्हें एक राष्ट्रीय दल की ज़रूरत है। लेकिन उस मीटिंग के दौरान क्या हुआ, तो कई बार हम लोगों ने भी रिपोर्ट किया कि उद्धव ठाकरे की ये मंशा है कि वो महाराष्ट्र में फिर एक बार मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सी संभाले, काम संभाले, और उनको लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर उनको मदद करती है तो उनका ये सपना फिर एक बार पूरा हो सकता है। इसलिए वो फॉर्मूला ये दे रहे जिस बात का उन्होंने जिक्र किया। जब ये खबरें सामने निकल कर आई तो पृथ्वीराज चौहान ने पहला बयान दिया था कि जिसके ज़्यादा विधायक होंगे उसका मुख्यमंत्री होगा, और ये तो देखा भी गया है। लेकिन उद्धव ठाकरे उस फॉर्मूले को चाहते हैं कि जो कि कभी बाला साहब और बीजेपी हुआ करती थी कि केंद्र में बीजेपी रहे और यहाँ पर शिवसेना रहे, और उद्धव ठाकरे भी उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि राहुल गांधी को केंद्र में पूरी तरीके से शिवसेना का समर्थन रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र की बात आएगी तो यहाँ पर शिवसेना बॉस रहेगी और शिवसेना ही महाराष्ट्र को कांग्रेस के साथ मिलकर चलाएगी, लेकिन नेतृत्व शिवसेना करेगी। और शायद यही वजह है कि आज उद्धव ठाकरे ने जब बयान दिया तो उद्धव ठाकरे ने तो सीधे नाना पटोले से ये कह दिया, ये सवाल पूछ लिया कि आपके पास कोई चेहरा होगा तो बताइए और उसके नाम का ऐलान करिए, मेरा उन्हें खुला समर्थन है, नहीं तो ये फार्मूला नहीं चलेगा, आप सीएम पद का ऐलान पहले करिए। तो नाना पटोले और कांग्रेस की अड़चन है कि वहाँ पर एक पद के लिए एक अनार और 100 बीमार है। सही बात है, और इसके जवाब में इसका जवाब भी दिया नाना पटोले ने। उद्धव के भाषण के बाद नाना पटोले का भाषण हुआ और उसमें नाना पटोले ने ये स्पष्ट किया कि पहली प्राथमिकता जो है महाविकास आघाड़ी की ये होगी कि बहुमत हासिल करना, पहले सत्ता में आना, और उसके बाद में तीनों पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो सीएम पद का चेहरा तय करेंगे। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, देखिए कांग्रेस पार्टी में अगर अभी से किसी को सीएम पद प्रोजेक्ट कर दिया, फिर चाहे नाना पटोले हो, वैसे ही कांग्रेस में इतनी गुटबाजियां हैं, वो इस चुनाव में भले ही नहीं दिखी हो लेकिन हमेशा से देखने को मिली है कि कभी अशोक चौहान का खेमा, कभी बाला साहब थोरात का खेमा, अभी तो चौहान साहब नहीं है लेकिन पृथ्वीराज चौपना एक अलग खेमा चलाते हैं, नाना पटोले का एक अलग खेमा है, तो अभी अगर ऐसा कर दिया तो पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिलहाल मुझे लगता है कि इस झमेले में कांग्रेस पार्टी नहीं पड़ना चाहती, पहले वो सत्ता लाना चाहती है और उसके बाद राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जो तय करेगी उसको वो मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार रहेंगे, और मुझे लगता है वो इसी तरह का अंदेशा, इस तरह की सलाह उद्धव ठाकरे को भी देंगे, और ना केवल कांग्रेस पार्टी, आपने देखा होगा कि शरद पवार भी। बिल्कुल, आज यही बात मैं आपसे पूछने वाला था कि आज इस कार्यक्रम में शरद पवार भी मौजूद थे लेकिन उन्होंने इस विषय को छुआ तक नहीं, जबकि हाईलाइटेड विषय था। शुरुआत ही उद्धव ठाकरे ने इस भाषण की इस मुद्दे से की कि मीडिया में लगातार ये खबरें आ रही है और इस मुद्दे को पहले उन्होंने उपस्थित किया, लेकिन उसका कोई जवाब शरद पवार जैसा कि राजनीति करते हैं, जो इम्पोर्टेंट विषय है उसको अलग रखकर उन्होंने अपना अलग ही संविधान का विषय जो है वो उपस्थित करकर राज्य की राजनीति के बारे में बात ही नहीं की, उन्होंने केंद्र की राजनीति के बारे में बात की कि किस तरह से जो है संविधान खतरे में है, राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में क्यों बिठा दिया, मोदी जो है राज्यसभा क्यों नहीं अटेंड करते, इन तमाम मुद्दों पर बात की, और इस मुद्दे को उन्होंने, मुख्यमंत्री पद वाले मुद्दे को उन्होंने टच ही नहीं किया। लेकिन
ये बात भी एक हकीकत है कि शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की, भले ही आज तक सुप्रिया सुले ने खुलकर ना बोला हो या फिर जयंत पाटिल ने खुलकर ना बोला हो, लेकिन जो अंडरकरंट्स देखने मिल रहे हैं उससे ये पता चलता है कि ये दोनों लोग भी जो है, अगर एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो ये लोग सीएम पद के कंटेंडर हो सकते हैं। अब बिल्कुल क्यों नहीं हो सकते, और मुझे लगता है कि शरद पवार के लिए एक बहुत शानदार मौका भी हो सकता है। अब तक तो उनकी पार्टी का कभी मुख्यमंत्री, जब से पार्टी बनी है एक बार मौका आया था लेकिन उन्होंने केंद्र में एक्स्ट्रा कैबिनेट का पद लेकर जो है वो मौका छोड़ दिया और यहाँ पर कांग्रेस को दे दिया। हाँ, लेकिन वही मौके को लेकर अजीत पवार आज भी शरद पवार को जो है वो तंज कसते रहते हैं कि मेरे हाथ से मौका जो है आपने गवा दिया, कई बार उप मुख्यमंत्री बना दिया लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो मुझे लगता है कि इस बार शरद पवार ऐसा कोई मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहेंगे। लोकसभा चुनाव में भी सबसे शानदार स्ट्राइक रेट महाविकास आघाड़ी में 10 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और 8 सीटें जीत ली। तो शरद पवार जानते हैं कि जिस तरह की सिंपति महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, उद्धव ठाकरे को लेकर हो, उनकी पार्टी को लेकर हो, तो इन सबका फ़ायदा, और पवार बहुत ही शानदार इस तरह की राजनीति करते हैं, महाराष्ट्र उनको बहुत पता है। पिछले दिनों हमने देवेंद्र फडणवीस का ही एक स्टेटमेंट सुना जिसमें उन्होंने कहा कि पवार साहब इतने शातिर है कि वो विधानसभा चुनाव में भी ऐसी सीटें चुनेंगे जहाँ पर उनको लगता है कि उनकी उम्मीदवार जीतने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, भले कम सीटें लेंगे लेकिन अपना स्ट्राइक रेट जो है मेंटेन करेंगे, और हो सकता है ये स्ट्राइक रेट उनके किसी व्यक्ति को सीएम पद पर पहुँचा दे। और पवार इसमें बहुत माहिर भी है, और हो सकता है कि अगर ऐसा मौका आए तो पवार घराने से ही उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र की पहली मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री हो सकती है। बिल्कुल। तो रौनक, एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि ये जो सीएम पद को लेकर जो खींचतान चल रही है, अभी 3 महीने का वक्त तो समझ लीजिए बचा हुआ है क्योंकि आज तो जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें महाराष्ट्र की तारीखों का तो ऐलान नहीं हुआ, तो अब कुल मिलाकर लगभग ये तय हो गया है कि नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, तो अब ये जो 2.5-3 महीनों का वक्त है, तो इस दरमियान क्या ये खींचतान महाविकास आघाड़ी में और बढ़ेगी या फिर फिलहाल के लिए मुख्यमंत्री पद का जो मुद्दा है वो ठंडे बस्ते में जाएगा और फिर जब चुनाव नतीजे आएंगे उसके बाद ही कुछ होगा? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी ने बहुत ही सोचा समझा ये प्लान बनाया है तभी, नहीं तो आज इतना बेहतरीन माहौल है कि ये कोई मुद्दा उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे ये दबाव अगर बढ़ाया जाए तो लोगों के मन में भी रिएक्शन, जनता से भी रिएक्शन, और अगर उद्धव ठाकरे को इसका फ़ायदा मिलता है तो कांग्रेस पार्टी पर भी दबाव बन जाएगा। अगर नीचे से ये मांग आने लगी कि उद्धव ठाकरे की सभाएं चाहिए ज़्यादा, उद्धव ठाकरे ही नेतृत्व कर सकते हैं, आज अगर देखें तो महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी के नेता है उनमें अगर कोई शानदार भाषण करता है तो कला केवल उद्धव ठाकरे के पास है। एक जमाना था जब उद्धव ठाकरे के भाषणों में धार नहीं, आघाड़ी में अगर किसी अच्छे वक्ता की बात करें तो उद्धव ठाकरे ही नजर आते हैं जो इस तरह का भाषण दे सकते हैं, आक्रामक तरीके से बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी शरद पवार बहुत ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, लेकिन उद्धव ठाकरे सीधा वार करते हैं, आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो जो शिवसेना की पहचान रही है, पहले निश्चित तौर पर ऐसा कहा जाता था कि उद्धव ठाकरे के भाषण में वो नमक नहीं है, राज ठाकरे होता था, राज ठाकरे से कंपेयर होते थे, लेकिन आज की तारीख में अगर देखें तो उद्धव ठाकरे के पास वो नमक भी है, वो दम भी है, और असंख्या भी है और माहौल भी है। तो मुझे लगता है कि इसका फायदा महाविकास आघाड़ी को होगा, और इसीलिए ये रणनीति है सोची समझी संजय राउत, उद्धव ठाकरे और उनकी पूरी कोर टीम की, कि धीरे धीरे ये माहौल बनाया जाए, और जब सीटों के बंटवारे में भले ही 2 सीटें शिवसेना कम ले लेकिन उस वक्त कांग्रेस से वो ये उगल वाले कि भाई हमारा चेहरा मुख्य जो है वो उद्धव ठाकरे हैं। बिल्कुल। तो अगले 2.5-3 महीने महाराष्ट्र की राजनीति में खूब ड्रामा होने वाला है, खूब हलचल मचने वाली है, और हमारी उस पर नज़र बनी रहेगी। आप भी अपनी नज़र बनाए रखें NDTV इंडिया पर। नमस्कार।